एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कल देर रात मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से तवांग जाकर उन्होंने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बार फिर से उसके भाई अफजाल अंसारी ने जहर का मुद्दा उठाया और कहा कि जेल प्रशासन मुख्तार को जहर देकर मारने की साजिश में शामिल है। तो एक बार फिर से अफजाल अंसारी की तरफ से ये सवाल उठाया गया और कहा गया कि मुख्तार की ओर से जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए। मिली भगत है, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो भी ये वजह रही है कि उसको जहर दिया गया था और जहर का जो प्रेशर है मुंह से खून क्यों आया, नाक से खून क्यों आया, तमाम फोटोग्राफ है। कहा गया कि भाई पोस्टमार्टम इसका एम्स के डॉक्टर से करा लिया जाए, क्यों उसी डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है उसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से जिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसके इलाज में पूरी तरह या लापरवाही बरती या वो संलिप्त हैं उसकी इस मौत के लिए जो साजिश रची गई, उस साजिश के वो भी संलिप्त हैं, हिस्सा हैं इसमें, सुपरिटेंडेंट जेल और ये सब लोग साजिश के शिकार हैं। जब कहते रहे कि उसको जहर दिया गया तो आप एक जेलर और दो डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया है आपने उसी दिन जिस दिन जहर खिलाया गया, कि बात फूटी कैसे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे और घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दिया है। अब्बास अंसारी को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद राजभर ने कहा कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं, वो अखिलेश यादव के विधायक हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मों से पता चलता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। काम वो कर्मों से उसकी पहचान होती है, जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी पहचान बनेगी। वो कहाँ हमारे विधायक हैं, वो तो बहुत पहले से हम लोग स्टेटमेंट जारी करते चले हैं कि अखिलेश यादव जी के विधायक हैं, तो बहुत हाँ ये जरूर है। गठबंधन था और कहीं ना कहीं मिस्टेक एक अखिलेश यादव जी ने कराया था हम लोगों को, हमारा ए बी फॉर्म लेकर के उन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रत्याशी कौन होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने दिया और जीते तो बहुत पहले से ही हम लोगों ने इस चीज़ को कहते चले आए हैं कि वो तो अखिलेश यादव जी के विधायक हैं।